जय सियाराम। जैसा कि पिछले 7-8 साल पहले की बात है कि सभी संत संप्रदाय संस्थान के जितने भी आज सदस्य हैं उनका यहीं पे इंद्रप्रस्थ चतुर्भुज हनुमान मंदिर में गठन किया गया। इस संस्थान को गठन करने के पीछे सभी सदस्यों का और पदाधिकारियों का यह उद्देश्य था कि सब बिखरे बिखरे हुए थे और उदयपुर में कई मठाधीश हैं, कई पीठ है, तो समय समय पर कई कार्यक्रम होते हैं, तो उस धार्मिक और सनातन संबंधी कार्यक्रमों को विधिवत करने के लिए, विधिवत संचालन करने के लिए और साधु समाज और मठाधीशों को सम्मान के लिए एक संगठन बनाया गया, ताकि उदयपुर के विभिन्न भागों में जो संगठन बने हुए हैं, धार्मिक संगठन जो मंदिर वाइज है, पीठ वाइज है, उसको एक उसका मुख्य संगठन बनाया गया, जिससे कि जितने भी सनातन कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे सभी इस संगठन के सदस्य उपस्थित होते हैं और उनको आम जनता द्वारा, आम सनातनी द्वारा इस संगठन के सभी सदस्यों को सम्मान मिलता आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूँ रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम बात करेंगे सर्व संप्रदाय संत समाज के संरक्षक गिरिजा शंकर जी शर्मा से। एक विवाद पिछले दिनों इस बात का आया कि संगठन में दो व्यक्ति नाराज हुए और उन्होंने आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया कि हम नया अध्यक्ष बनाए जाते, हम नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा करते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष की घोषणा भी की गई और इस अध्यक्ष पद पर घोषणा के बाद जब मुख्य कार्यकारिणी को पूरे मामले का पता लगा तो उसके बाद में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ आने लगी है। अभी हमारे साथ इस संगठन के संरक्षक गिरिजा शंकर जी जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे, इनसे समझेंगे कि इस तरह का निर्णय कितना सर्वमान्य है और क्या नया अध्यक्ष इस तरह से बनाया जा सकता है। अभी तक तो यह भी सुनते रहे हैं कि जब तक आपके पास में पूर्ण बहुमत है तब तक आपको कोई उस गद्दी से हिला नहीं सकता है। ये बात अलग ही है कि उस संगठन में दो व्यक्तियों की नाराज़गी हो सकती है और उस नाराज़गी को समय पर ठीक करने का किसी ने कदम नहीं उठाया, लेकिन इस तरह का संगठन से अलग जाकर निर्णय लेना और इस निर्णय के खिलाफ मीटिंग कराकर जो प्रस्ताव है उस पर पास करवाना, ये सब बातें क्या कहते हैं? संरक्षक तो आप ही हैं, आप ही बता दीजिए पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। जय सियाराम। जैसा कि पिछले 7-8 साल पहले की बात है कि सभी संत संप्रदाय संस्थान के जितने भी आज सदस्य है उनका यहीं पे इंद्रप्रस्थ चतुर्भुज हनुमान मंदिर में गठन किया गया। इस संस्थान को गठन करने के पीछे सभी सदस्यों का और पदाधिकारियों का यह उद्देश्य था कि सब बिखरे बिखरे हुए थे और उदयपुर में कई मठाधीश हैं, कई पीठ है, तो समय समय पर कई कार्यक्रम होते हैं, तो उस धार्मिक और सनातन संबंधी कार्यक्रमों को विधिवत करने के लिए, विधिवत संचालन करने के लिए और साधु समाज और मठाधीशों को सम्मान के लिए एक संगठन बनाया गया, ताकि उदयपुर के विभिन्न भागों में जो संगठन बने हुए हैं, धार्मिक संगठन जो मंदिर वाइज है, पीठ वाइज है, उसको एक उसका मुख्य संगठन बनाया गया, जिससे कि जितने भी सनातन कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे सभी इस संगठन के सदस्य उपस्थित होते हैं और उनको आम जनता द्वारा, आम सनातनी द्वारा इस संगठन के सभी सदस्यों को सम्मान मिलता आया है। जैसा कि वहाँ झाड़ोल में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है, मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ, परम पूज्य बाबूजी जीवतराम जी शर्मा की पुण्यतिथि पर जहाँ हजारों लोग आते हैं, तो इस संगठन के माध्यम से सभी पदाधिकारी प्रतिवर्ष वहाँ श्रद्धांजलि के लिए पहुँचते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं तो इस संगठन के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, भागवत कथा कराते हैं, राम कथाएं कराते हैं, नानी बाई का मायरा जैसी कथाएं वगैरह आयोजित की जाती है, जिसमें इस संगठन के सभी सदस्य बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और हाल ही में अभी महीने भर पहले मेरे सुनने में आया कि संगठन के कुछ सदस्य हैं, उसमें से दो सदस्य किसी कारणवश कई नाराज़गी की बात आई होगी, तो उन्होंने अपने स्तर पे एक बैठक बुलाकर जो इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस संगठन की शुरुआत की, कि इंद्रदेव महाराज जो चतुर्भुज हनुमान महाराज के मैन थे इनको हटा दिए गए, जबकि यह संस्था भारतीय संविधान धारा 1958 के अंतर्गत रजिस्टर है,
जिसमें सर्वसहमति से और बहुमत से किसी भी सदस्य को और पद को पदाधिकारी को चुना जाता है, क्योंकि जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस संस्था में जो सदस्य होते हैं वही उसको वोटिंग करते हैं। क्या दो सदस्य मिलकर किसी एक सदस्य को या पदाधिकारी को अलग कर सकते हैं? वो संभव भारतीय संविधान एक्ट में नहीं है। और जिन दो पदाधिकारियों ने नाराज़गी की वजह से अगर अध्यक्ष या और अन्य सदस्य को अगर अलग किया जाता है तो वो कानूनन गलत है। और मैं इस अवसर पर सभी संत समाज के इस संस्थान के जितने भी इस संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं उनसे मेरी ओर से आग्रह करूंगा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कई संघर्ष करने पड़ते हैं, कई चुनौतियाँ आती है। और अगर वर्तमान में जिस अध्यक्ष को बनाए गए हैं उनके कार्यकलापों पे कोई प्रश्न है तो मिल बैठ के सबको इसका निपटारा करना चाहिए। और अगर अध्यक्ष बदलता है तो वो सर्वसम्मति और बहुमत से बदलना चाहिए, न कि किसी एक या दो सदस्यों को कहने पर। जय सियाराम। आपको इस तरह के मामले को लेकर कोई जानकारी भी पहुंची है? नहीं, मुझे सारा घटनाक्रम मालूम है और मैं थोड़ा ट्रेवलिंग पे था जो इनकी बैठक में भाग नहीं ले पाया हूँ, मीटिंग भी हुई है, तो सारा घटनाक्रम मेरे को नॉलेज में है और मैंने बराबर सदस्यों से बात भी करी है। तो मेरा एक ही कहना है कि यहाँ किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, वास्तविकता जो है उसको सामने लाने की ज़रूरत है। क्या बहुमत जो है इंद्रदेव महाराज के साथ है तो इंद्रदेव महाराज अध्यक्ष बने रहने चाहिए, और किसी प्रकार की नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को दूर करना चाहिए। और जो इंद्रदेव महाराज का पिछले 7-8 सालों से जितने संघर्ष करके इन्होंने जो आयाम दिए, जो काम किए हैं, जितना प्रचार प्रसार इस संगठन का किया है, आप खुद ने प्रचार प्रसार मीडिया में देखा है, आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम ये करते हैं और ये पूरा अपने अंदर के दिल की आत्मा से सारे कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको बदलने की ज़रूरत है। और बदलने की ज़रूरत है तो बिना बहुमत से नहीं बदलना चाहिए। जी, आगामी दिनों इसको लेकर के क्या कोई मीटिंग का भी अभी हाल ही बुधवार के दिन शाम को एक मीटिंग रखी है जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो मैं उस दिन अनुपस्थित हूँ। शायद मैं फ़ोन के माध्यम से इनसे जुड़ूंगा कि भाई सब लोगों का क्या विचार है, इस संगठन को अगर विधिवत चलाना है तो मेरी जो मान्यता है जो संगठन को जीरो से खड़ा करता है वही समझ पाता है कि संगठन कैसे चलाया जाता है। बीच में आने वाले कोई अगर सदस्य हैं तो उनको संगठन चलाने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक ही राजनीति में तो हम अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा में हमेशा ही देखते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बन रहे हैं और उसमें इस तरह की कोई मनमुटाव की बात आती है उसको ठीक करने के बजाय इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लियाया जाता है और उसका जो मैसेज है वो समाज में गलत जाता है, इस पर संरक्षक होने के नाते क्या कहते हैं? देखो, मेरा ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव तो भले ही धार्मिक संस्था हो या राजनीतिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, हर एक में लाया जा सकता है, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़े जो क्या कहते हैं क्रिएटिव जो काम है, जो रचनात्मक कार्य है, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ किसी संस्थान के बहुत बड़े संपत्तियाँ हो, बहुत सारे कर्मचारी हो, वहाँ पर इस तरह की बात आनी चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल धार्मिक रचनात्मक कार्यक्रमों के अलावा कुछ नहीं किया जाता है, और जो धार्मिक रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जा रहा है वो वर्तमान जो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जा रहा है। आप पिछले अगर 10-8 साल में अगर पीछे जाएंगे तो जितने प्रोग्राम किए हैं उसका जो नेतृत्व का काम किया है, जो उसमें लीडिंग का जो काम किया है वो वर्तमान अध्यक्ष ने किया है, तो मुझे नहीं लगता उनको बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई किसी प्रकार की छोटी मोटी बात है मिल बैठ के सुलझाने की ज़रूरत है। अब अंतिम सवाल, दो सदस्य वीरम जी और राजू बा, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, इनके बारे में एज ए सदस्य उनको पहले अगर किसी प्रकार की नाराज़गी थी, कोई समस्या थी, तो मेरा ये कहना है कि अगर इसकी प्रॉपर एक मीटिंग बुलाई जा सकती थी, नहीं तो आपातकाल मीटिंग बुलाते या वो अन्य सदस्यों को एज ए संरक्षक के नाते मुझे भी सूचित करते कि भाई मुझे इस बात की नाराज़गी है और इसलिए मैं इनके खिलाफ़ जा रहा हूँ या विपक्ष में जा रहा हूँ, तो उनको पहले सूचना लानी चाहिए जो नियमानुसार, भाई अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सूचित करो उन सदस्यों को। तो ये सदस्य बने रहेंगे या इनको निष्कासित? देखो, ये किसी व्यक्तिगत ना तो संरक्षक के नाते मेरे हाथ में है, ना अध्यक्ष महोदय के हाथ में है, ये सदस्य सब मिलके निर्णय करेंगे। अगर इस तरह की बात हुई है तो किसी सदस्य को पृथक करना है तो वो जो संस्था संविधान के नियम है, जो अधिनियम है, उसके अनुसार ही किया जाएगा। जी,
तो दोस्तों देखिए, तमाम जो विवाद का कारण है वह यही है कि दो सदस्यों के कुछ विचार नहीं मिले और इसके बाद में ये विवाद को जन्म हुआ। लेकिन अब इस तरह की मीटिंग का जो दौर है उसको देखते हुए आगामी दिनों में इस संगठन द्वारा एक मीटिंग का प्रस्ताव रखा जा रहा है और किस तरह की मीटिंग में बातें होती है ये उस समय देखने वाली बात होगी। लेकिन इस संगठन के संरक्षक का ये साफ कहना है कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे कि महंत इंद्रदेव दास को पद से हटाया जा सके और इनके जो क्रियाकल्प हैं और इनकी जो कार्यकारिणी की जो विभिन्न काम हैं उनको देखते हुए ये आगे भी पद पर बने रहेंगे, ऐसी बात संरक्षक स्वयं कह रहे हैं। आगामी दिनों इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की बात सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सनातन धर्म के विकास और सर्व धर्म सर्व हिताय की जो बात आती है इसको लेकर हमेशा ही सनातन धर्म में संगठन काम करते हैं। खैर, विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इससे जुड़े हुए एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। ठीक है, 10-12 मिनट का आपका ये